हम मौजूद हैं पटना के पीएमसीएच में। ये मरीज के लिए तो बेड बिल्कुल मिलता है, मरीज को निश्चित बेड दिया जाता है, जो मरीज भर्ती है उसको बेड मिलता है। पीएमसीएच बिहार का जाना माना अस्पताल, लेकिन ये जाना माना अस्पताल पिछले काफी समय से सुविधाओं को लेकर चर्चाओं में है। कभी छत का गिरना, कभी हड़ताल, तो कभी कुछ। जी हाँ, नमस्कार, मैं होशियानी और आप देख रहे हैं न्यूज 111। आगे कुछ भी बताने से पहले चलिए दिखाते हैं आपको पीएमसीएच की बदहाली की कुछ तस्वीरें। देखा आपने कि कैसे मरीज बारिश के मौसम में भी बाहर जमीन पर सोने को मजबूर है, वहीं सुविधाओं पर मरीजों का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। किस चीज के लिए पीएमसीएच आए थे? माथा दिखाने। डॉक्टर क्या बोला आपको? नहीं है। नहीं है आपको क्या बोला? यहीं बैठने के लिए अंदर रूम नहीं दिया? दूसरा अस्पताल में। आप कौन हुए इनके? उनका साथ में आए हूं। साथ में आए तो क्या दिक्कत क्या है? माथा में चोट लगा है, चोट लगा है, इसलिए आए हैं। तो डॉक्टर क्या बोला कि आप लोग यहीं रहिए अंदर, आप लोगों को नहीं लेके गया? डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि जाओ दूसरा अस्पताल में दिखा लो, हड़ताल चल रहा है। हड़ताल चल रहा है तो आप लोगों ने कहा नहीं कि इस तरह से बारिश हो रही है, हम बाहर बैठे हुए, हमारे परिजन बहुत बीमार हैं? बोले हैं। तो क्या बोला उन्होंने? जी हाँ, हड़ताल चल रहा है, अभी कोई सुविधा नहीं। कौन डॉक्टर, नाम क्या था डॉक्टर का? हमको नाम पता नहीं है। कितना दिन से है आप यहाँ पर? 8 रोज हो गया। 8 रोज से आज यहीं पे सो रही हैं? अच्छे 8-9 दिन। 8-9 दिन से आप यहीं पे हैं बच्चे को लेकर के? जांच कल के दवाई देने से बच्चा। हमको तो हफ्ता दिन हो गया, 8-9 दिन हो गया। जोर जोर में दर्द है इसको। नहीं मिल रही व्यवस्था, नहीं हो रहा इलाज, क्या कुछ कहना है आप सभी ने तो सुना, लेकिन वही पीएमसीएच अधीक्षक का क्या कहना है कि मरीजों को सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाती है, सुनिए। बारिश के मौसम में हम लोग सभी मरीजों को बेड पे ही रखते हैं, बेड से अगर कुछ ज़्यादा मरीज हो तो नीचे में गद्दा दे के रखा जाता है, खुले बारिश में तो आपको कोई मिले नहीं होंगे। बारिश की वजह से जो आने जाने की दुश्वारियाँ हैं वो होती हैं, हम लोग उसको मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। हड़ताल तो सर अभी 2-3 दिन से चल रही है, 3रा दिन है हड़ताल का, लेकिन जो मरीज यहाँ पिछले 9 दिनों से बैठे हुए हैं, जिन्होंने ये कहा है कि 9 दिन से यहाँ पे, डॉक्टर्स बोलते हैं कि डॉक्टर्स अभी नहीं आए हैं, कोई लखीसराय से आए, कोई कहाँ से आए, तो उन मरीजों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है इन सबसे। देखिए, परेशानी तो डॉक्टरी का जो पेशा है ना, उसमें मरीजों का ऑपरेशन प्लान किया जाता है और अब एक लंबी लिस्ट होती है, कई बार 2-4-5 दिन 10 दिन वेट करना पड़ता है, कई बार ऐसा होता है कि मरीज ऑपरेशन की स्थिति में नहीं होता, उसका शुगर बढ़ा हुआ होता है। कम से कम उन्हें रहने की व्यवस्था तो सही से दी। देखिए, मरीज के लिए तो बेड बिल्कुल मिलता है यहाँ बिहार, मरीज को निश्चित बेड दिया जाता है, जो मरीज भर्ती है उसको बेड मिलता है। तो देखा आपने, मरीज जमीन पर सो रहे हैं, सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, गंदगी भी वैसी ही है, लेकिन अधीक्षक ना कर रहे हैं, उनका कहना है कि ये सभी सुविधाएं उन्हें दिलाई जाती है, ये भी आपने सुना। आपने देखा भी क्या स्थिति है वहां की, कि कैसे मरीज रह रहे हैं, कैसी कैसी परेशानियां हो रही हैं उन्हें। सवाल ये उठता है कि आखिर बिहार के जाने माने अस्पताल की ऐसी स्थिति क्यों है, क्यों मरीजों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, क्यों नहीं उन्हें वार्ड मुहैया कराई जा रही है, क्यों उन्हें और उनके परिजनों को बारिश के दिनों में भी गंदगी में रहना पड़ रहा है। सवाल बहुत है लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं। ये थी वो तस्वीरें जो हमने आप तक दिखाई, ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए जरूर देखें न्यूज 111। नमस्कार। न्यूज़ 111 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।